आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 से 25 के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु तिथि की घोषणा की गई है और इस रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले सीएम कॉलेज दरभंगा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वैसे तमाम कैंडिडेट के लिए जो बच्चों ने सत्र 2023 से 25 में इंटरमीडिएट में नामांकन करवाए हैं, बिहार के किसी भी कॉलेज में आपने नामांकन करवाया होगा बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि आप सभी का यहां पर बता दिया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें ये जो इस बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया है इसमें कुछ बदलाव की गई है जिसके बारे में समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे मिस्टेक होगी, फिर आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा ही आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर नामांकन करवाए हैं 2023 से 25 के लिए वो रेगुलर वाले कैंडिडेट होंगे या स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट होंगे, उन सभी को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाना कब तक होगा। यहाँ पर तिथि दे दिया गया है, दिनांक 25/9/2023 से 10/10/2023 तक रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि निर्धारित की गई है। आपको क्या करना है कि जो कैंडिडेट इस बार 11th में नामांकन करवाए हैं, आप सभी कैंडिडेट पहले कॉलेज जाएं। कॉलेज आपको एक आवेदन फॉर्म देगी। इस बार बताया गया है कि जो फॉर्म कॉलेज उपलब्ध कराएगी इसमें खंड ए एवं खंड बी होगा। जैसे खंड ए में 1 से 16 तक की जो जानकारी है ये पहले से फिलअप रहेगा, इसमें छात्र को कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था कॉलेज में नाम लिखवाने से पहले OFFS के पोर्टल पर, जिसके माध्यम से आपने जो जानकारी फिल किया था उसी अनुसार फिलअप रहेगा। बाकी खंड बी जो रहेगा जिसमें 17 नंबर से 33 नंबर तक की जो विवरण है ये भरना अनिवार्य होगा। यही विवरण फिल करना है। वहीं जो स्वतंत्र कोटि के छात्र होंगे उन्हें पूरा डिटेल्स खुद से फिलअप करना होगा। आपको जो नए कैंडिडेट हैं 23 से 25 वाले उनको कुछ ही जानकारी फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कॉलेज को सबमिट करते हैं जिस अनुसार भी फिल कर सबमिट करते हैं कॉलेज उसी अनुसार अपने डैशबोर्ड से लॉगिन कर डिटेल्स को अपडेट करती है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाता है, फिर आगे की जो आपकी परीक्षा फॉर्म है वो आता है, फिर आपकी एडमिट कार्ड आती है। तो ये तमाम प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेज है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर कोई गलती ना करें। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको समझना है, जब फॉर्म को भरते हैं तो एक आपको खंड बी में देखेंगे 17 नंबर जो कॉलम आपको दिए जाएंगे उसमें आपसे आधार कार्ड नंबर मांगे जाएंगे। आधार नंबर आपको फिल करनी है, अगर आपके पास है तो लगभग सभी के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड फिल करेंगे। लेकिन आधार कार्ड जब आप फिल कर देंगे वहां पर लिखा रहता है कि आपका आधार कार्ड अगर है तो आप फिल करिए और नीचे में साइन भी मांगा जाता है। साइन उनको करना है जो आधार नंबर नहीं फिल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट गलती करते हैं जो कि खंड बी में होगा। और जब आप फॉर्म फिल आउट करेंगे इसमें विषय चुनना होगा। विषय में देखिए यहाँ पर बताया गया है आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस सबका यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अनिवार्य जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसमें ये कुछ भी सब्जेक्ट है इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको चुनना ही होगा जो कि 100 अंक के होंगे। इसके अलावा इच्छुक सब्जेक्ट है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अंतर छोड़ भी सकते हैं। ये जानकारी फॉर्म भरेंगे उस समय आपको भरना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए शुल्क आपसे क्या लगेगा
देखिए, अगर आप 2023 से 25 में नामांकन करवाए हैं तो आप नियमित कैंडिडेट हैं। आपको जो पैसा देना होगा, नोटिस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में है उसी अनुसार लिया जाएगा। सीएम कॉलेज दरभंगा के द्वारा एक सूचना जारी किया गया है जो इस प्रकार है। महाविद्यालय की इंटरमीडिएट कला यानी आर्ट्स एवं वाणिज्य यानी कॉमर्स सत्र 2023 से 25 में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 25/9/2023 से 10/10/2023 तक रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि निर्धारित की गई है। अतः अपने अपने वर्ग क्रमांक के अनुसार रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं शुल्क महाविद्यालय में अपने अपने काउंटर पर अवश्य जमा कर लें। रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जो अपने साथ लाना है जो इस प्रकार है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको हक साइबर कैफे में मिल जाएगा एवं मैट्रिक के मार्कशीट का जीरोक्स एवं जातीय प्रमाण पत्र यदि लागू हो। जनरल वाले को जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा एवं माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करना होगा। माइग्रेशन उसी को देना है जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी नहीं होंगे, जैसे CBSE वाले बोर्ड के देंगे माइग्रेशन ओरिजिनल एवं नामांकन रसीद की जीरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो अवश्य अपने साथ लाएं। नोट, भीड़ कम हो इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा क्लास रोल नंबर के अनुसार तिथिवार रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं शुल्क महाविद्यालय में अपने अपने काउंटर पर अवश्य जमा करें। दिनांक 25/9/2023 को क्लास रोल नंबर 1 से 50 तक, 26/9/2023 को क्लास रोल नंबर 51 से 100 तक, 27/9/2023 को 101 से 150 तक, 29/9/2023 को क्लास रोल नंबर 151 से 200 तक, 30/9/2023 को 201 से 250 तक, 3/9/2023 को क्लास रोल नंबर 251 से 300 तक, 4/9/2023 को क्लास रोल नंबर 301 से 350 तक, 5/9/2023 को 351 से 400 तक, 6/9/2023 को रोल नंबर 401 से 450 तक, दिनांक 7/9/2023 को क्लास रोल नंबर 451 से 500 तक, दिनांक जो कि लास्ट दिन है 9/10/2023 को क्लास रोल नंबर 501 से बचा हुआ जो भी शेष सभी का 9/10/2023 को आखिरी दिन होगा। जिस तिथि में जो क्लास रोल नंबर है उसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंटर पर ली जाएगी। अगर किसी का किसी कारणवश छूट जाता है तो अंतिम तिथि यानी 9/10/2023 को रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवश्य जमा कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पर।